गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले एनडीपीएस एक्ट 1985 का जो हमारा पोर्शन था बचा हुआ वो लेने वाले। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या रह गया था, एक क्वेश्चन है जैसे पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट एंड रेगुलेट द ऑपरेशंस इन्वॉल्वड अंडर एनडीपीएस। हमने क्या पढ़ा था कि कौन से ऑपरेशंस कंट्रोल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने कहा था कि ऑपरेशन कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑपरेशन कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पर क्या है, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स ऐसे कौन से पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर उसे ऑपरेशंस अगर इन्वॉल्व करना, ऑपरेशंस अगर उसे कैरी आउट करना है तो उसके लिए उसके पास क्या प्रोहिबिट कर सकता है, क्या रेगुलेशन उसके पास आएंगे, वो उसे पावर्स उसे पावर कैसे करेगा, मीन्स उसके ऊपर कैसे पावर अप्लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा जैसे कल्टिवेशन और गैदरिंग ऑफ एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट। ऑपरेशन में क्या आएगा कि ऑपरेशन में यही आएगी कि जब भी वो कुछ भी जहाँ पर भी कल्टीवेशन हो रहा है, कहाँ जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके ऊपर क्या करना है, उसे रेगुलेशन करना है। तो वैसा ही पावर रहेगा कि ऑपरेट कल्टीवेशन और गैदरिंग ऑफ एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट, किसी भी कोका प्लांट के पोर्शन का वो क्या कर सकता है, कल्टीवेशन और गैदरिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी। मैंने अभी क्या कहा था, यहाँ पर कोका प्लांट कहा था, अब क्या है, कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी। ठीक है, then next the production and manufacturing of opium and poppy straw। kya hai production and manufacturing of opium, opium ka production and manufacturing aur uske sath kiska manufacturing and manufacturing and production kiska rahega, poppy straw ka, means use poppy straw ka bhi production develop karna hai aur control karna hai, power karna hai aur use manufacturing of opium ko bhi karna hai। maine pehla point kya tha aapko, cultivation or gathering of any portion of कोका प्लांट। ठीक है, देन नेक्स्ट कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी भी करना है उसे, देन नेक्स्ट प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओपियम एंड पॉपी स्ट्रॉ। ओके, देन नेक्स्ट है पजेशन, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, वेयरहाउसिंग, सेल, परचेज, कंजम्पशन, ये जो भी है किसका, पॉपी स्ट्रॉ का जो भी यूज कंजम्पशन, जैसे किसका है, पॉपी स्ट्रॉ का। ओके, किसका है ये, किसका, पॉपी स्ट्रॉ का क्या है, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट इंटरस्टेट, देन वेयरहाउसिंग, सेल, परचेज एंड कंजम्पशन ऑफ पॉपी स्ट्रॉ को वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ओके, देन नेक्स्ट द सेल ऑफ ओपियम, किसका सेल, ओपियम का, द सेल ऑफ ओपियम एंड ओपियम डेरिवेटिव, ओपियम और उसके साथ जो भी ओपियम के डेरिवेटिव रहेंगे उनका सेल, एंड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज फॉर इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया, मीन्स अगर उसका जो भी सेल होगा ओपियम का और ओपियम के डेरिवेटिव का, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज में रहेगा फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, मीन्स बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज में रखा जाएगा। तो उसका भी पावर, उसका क्या है वहां पर, कि उसे वो सब रेगुलेट करना है प्रॉपर तरीके से, लॉफुली सब कुछ होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट मैन्युफैक्चर ऑफ मैन्युफैक्चर ड्रग, किसका मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर किए हुए ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग उसे करना है, कैसे, जैसे मेडिसिनल ओपियम है तो वो अगर बल्क में है तो उसे वो स्मॉल कंटेनर्स में करेगा, तो लॉफुली उसका जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा, मैन्युफैक्चर ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग अगर दोबारा से हो रहा है तो वो सब लॉफुली होना चाहिए, ये भी कौन रेगुलेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये उसका पावर है। ठीक है, देन नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, सेल, परचेज, इम्पोर्ट इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट इंटरस्टेट, ये किसका है, नार्कोटिक ड्रग का, और उसे क्या करना है, यही सेम है जो हमने ये लिखा है ना, यही सेम आपको यहाँ पर लिखना है, क्या है, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, परचेज, इंपोर्ट इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट इंटरस्टेट, किसका, लेकिन नार्कोटिक ड्रग्स का। ओके, ये वो रेगुलेट करेगा, और क्या करेगा, वो सेम वही लाइन आपको लेनी, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, लेकिन यहाँ पर किसका लिखोगे आप, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का। मैंने पहले किसका लिखा, यहाँ पर पॉपी स्ट्रॉ का लिखा है, देन यहाँ पर हमने नार्कोटिक ड्रग्स का लिखा है, देन हम किसका लिखेंगे, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का, और देन नेक्स्ट लास्ट में है
इंपोर्ट इनटू इंडिया, इंडिया में अगर आ रहे तो एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ एनडीपीएस, मींस अगर कोई प्रोडक्ट एनडीपीएस के अंडर का जो भी प्रोडक्ट है अगर वो इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है या फिर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर ट्रांसशिपमेंट हो रहा है या फिर शिप से वो बाहर भेजा जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसके लिए जो भी पावर्स रहेंगे वो कौन कंट्रोल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू।